हरियाणा के झज्जर जिले में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं, इसका अंदाजा इन सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। मामला मंडी मोहल्ले का है, जहां तीन बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित दुकानदार से मिली जानकारी के अनुसार, जब वो दुकान में थे तब तीन बदमाश दुकान में आए और गन दिखाकर दुकान में रखे करीब 2 लाख रुपए लूटकर चले गए। अभी है ना, मेरा मनी ट्रांसफर का काम है। 7 बजे के आसपास ना तीन बंदूक लेके लड़के मेरी दुकान में घुस गए, और दुकान में घुसते उसने कहा कि सारा कैश निकाल दे वरना जान से हाथ धो बैठेगा। तो उसने अंदर आके मेरे को हाथ लगाए बगैर उसने मैं अंदर आके गले से सारा कैश निकाल लिया। लगभग 2 लाख रुपए के आसपास थे। मेरी दुकान में 3 कस्टमर थे, तीनों कस्टमर से फ़ोन छीन लिया, मेरा भी फ़ोन ले गया, भाई का भी फ़ोन ले गया, 5 फ़ोन ले गए, और 2 लाख रुपये के आसपास कैश था वो सारा ले गए। मेरी दुकान से पुलिस कंप्लेंट दे दी है, पुलिस आई थी, उन्होंने कार्रवाई करके और वो लेके गए हैं हमारे साथ कागज वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह दे। क्या नकाबपोश थे क्या? तीनों नकाबपोश थे, तीनों की उम्र 20 से 25 साल के आसपास थी, और तीनों के हाथों पिस्तौल थे। बाइक पे थे? तीनों बाइक पे थे, बाइक बाहर खड़ी कर रखी थी उन्होंने दूर थोड़ी सी। फिलहाल लूट की सारी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले का संज्ञान लिया। बदमाशों की पहचान के लिए दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली। लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी भी कराई गई, लेकिन लुटेरे पुलिस को गच्चा देने में कामयाब हो गए। समाचार लिखे जाने तक इस मामले में पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लग पाया था। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी।